देहरादून रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को हेल्थ एटीएम की सुविधा दी जाएगी और इस हेल्थ एटीएम से ब्लड प्रेशर शुगर जैसी स्वास्थ्य की जांच की हो सकेगी। तो दून रेलवे स्टेशन अब देश के उन चुनिंदा स्टेशनों में शामिल हो जाएगा जहां पर हेल्थ एटीएम लगे हुए हैं। तो स्टेशन पर हेल्थ एटीएम का कैबिन लग चुका है जिनको अब इंस्टॉल किया जाएगा। इसके बाद से यात्रियों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो वहीं रेलवे स्टेशन के निदेशक गणेश चंद्र ने बताया कि एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करते वक्त या दून स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्री स्वास्थ्य जांच करा सकते हैं। करीब 50 से 100 रुपए में 16 से ज्यादा बीमारियों पर भी तो दून स्टेशन पर हेल्थ एटीएम लगाए गए हैं जिसपे 50 से 100 रुपए खर्च कर 16 से ज्यादा बीमारियों की जाँच जो है वो यात्री यहाँ से करा सकेंगे। तो ब्लड प्रेशर शुगर जैसी बीमारियों का इलाज यहाँ पर 50 से 100 रुपए खर्च कर यात्री करा सकेंगे। तो ये सौगात देहरादून रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अब मिलेगी। तो इस हेल्थ एटीएम से ब्लड प्रेशर शुगर जैसी स्वास्थ्य जांच कराई जा सकेगी। तो दून रेलवे स्टेशन अब देश के उन चुनिंदा स्टेशनों में शामिल हो जाएगा जहां पर हेल्थ एटीएम लगे हुए हैं। तो हेल्थ एटीएम कैबिन जो है वो इन स्टेशन पर लगाया जा चुका है जिनको अब इंस्टॉल किया जाना है और इसके बाद यात्रियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा जहां पर वो 50 से 100 रुपए खर्च कर अपनी कई बीमारियों का इलाज जो है वो करा सकेंगे। तो इसके बाद यात्रियों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, दून रेलवे स्टेशन अब देश के उन चुनिंदा स्टेशनों में शामिल जहां पर हेल्थ एटीएम की सुविधा यात्रियों को मिलने जा रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तमाम कार्य रेलवे स्टेशन पर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में रेलवे मंडल की तरफ से कोशिश की गई है कि आने वाले समय में जो लोग रेलवे परिसर पहुंचते हैं या फिर वेटिंग के इंतजार में बैठे रहते हैं उनको रेलवे स्टेशन में ही हेल्थ एटीएम की सुविधा मिलती हुई नजर आए, जिसमें वो आम जो जरूरत की चीजें हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान वो खुद से ले सकते हैं। 50 रुपए मिनिमम इसमें फीस रखी गई है जिससे जो तमाम जो सुविधा है वो उनको मिल सकेगी। ब्लड प्रेशर शुगर जैसी जो आम बीमारियां हैं उनको वो आसानी से वहां पर चेकअप करा सकते हैं। हेल्थ एटीएम इस व्यवस्था का नाम दिया गया है और सरकार माफ की जगह जो रेल विभाग है उनकी तरफ से कोशिश यही है कि आने वाले भविष्य में जो भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं वो मिनिमम दरों पर यहाँ पर सुविधाएं ले सकें और जो आम समस्या है उनको वो यहाँ पर ही निराकरण करा सकें। तो कब से ये सुविधा जो है अजीत यात्रियों को मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि स्टेशन पर हेल्थ एटीएम के कैबिन तो लग चुके हैं और अब इंस्टॉल किया जाना है, तो अमली जामा अब इस पर किस तरह से पहनाया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरह से जो रेलवे मंडल जो अधिकारी हैं, स्टेशन मास्टर है, उनका बयान सामने आया है कि भविष्य में एटीएम हेल्थ एटीएम की सुविधा कैसे यहाँ पर यात्रियों को दी जा सके उसके लिए केबिन की व्यवस्था होनी थी, उसका निर्माण किया जा चुका है और अब आने वाले समय में डॉक्टर्स वहाँ पर रहेंगे और जो सुविधा के लिए जो तमाम मशीनें होती हैं वो वहाँ पर इंस्टॉल होनी है, तो उसकी भी जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आने वाले समय में केबिन में हेल्थ मशीन लगी रहेंगी, कोई भी यात्री वहाँ पर आकर अपनी सुविधा उठा सकता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन पर नजर आएंगी। जी चलिए अजीत, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।